डांडा काल डांडा मानो मार की न जाओ एक तो दाह के नार पर की बात दूसरी तो मार दो पेट पर की दाशी बता बाबरा ने क्यों पालो आठ आठ पर क्या न खाए हैं दुकान पा जा ही अठारह किसान है बहुत गरीब है कम जोत का ही आखी पूरी जगी जमीन है रेल का माया जाएगी अठारह विधायक है बिने ओ बेरो कोनी की आ रेल लाइन की का राज मजारी है आ बीजेपी का राज मजारी है जो विधायक जी तो आ कह रहे हैं कि ओ और नोटिस कांग्रेस ने दिलवाया ज्ञापन हमने सीएम को दे दिया रेल मंत्री को दोपहर दे दिया शिखर सांसद को दे दिया रेल के बड़े अधिकारी को दे दिया मारी को सुनो कौन चाह रहे ओ बाड़ियों है जिसको मेरी बात सुनो अठाऊ धन कमा दूसरी जगह ले जा रहे हैं इन्हें शर्म क्यों को नहीं आ भाई किसान मार पा के ले खड़े हो रहे वो तो हाई प्लेन भी ले जा सके कटा मैं तो ये पूछना चाहता हूँ यहाँ लोग यहाँ की विधायक को कि आज किसान दो घंटे से चक्कर मार के हम थक रहे हैं घूम रहे हैं और अपनी मांग रहे हैं कि क्या जमीन हमारा हक है और वो भी हमारे से छीन लिया जाए हमारे पास बचेगा ये किसान बेचारे सब मर जाएंगे हम किसान के बेटे हैं हम चाहें तो कहाँ जाएं किसके पास रोएं हमने सीएम साहब हमारे यहाँ आए थे तब भी हमने पुलिस प्रशासन ने हमारे को कस्टडी में लेके ज्ञापन दिलाया था हम किसान दीप ज्ञापन भी दिया सबको जवाब नहीं आया विधायक को ये सोचना चाहिए कि हमारे को ये किसान के बेटे यार इससे अपने वोट लिए हैं इनकी मान सम्मान तो रखे कम हमारा हक लेके रहेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे किसान सो को नहीं पाया क्योंकि जका किसाना की दो दो तीन तीन बीघा आबाद सा रेल मारी है ये रेल का मायने दो तो और ब्रिज है और 17 अंडरब्रिज एक अंडरब्रिज में 300 मीटर जगह जा रही है और एक लंबाई 16-17 किलोमीटर है एक मायने 1000 किसान और 150 खसरा प्रभावित हो रहे हैं अठारह किसान है बहुत गरीब है कम जोत का ही आखी पूरी जगी जमीन है रेल का माया जाएगी तो जाएगा कटे आज की श्री सीमेंट कंपनी है आज जनासू लागी है आ किसाना के साथ अन्याय अन्याय कर रही है कोई किसान की 50,000 में ले ली कोई की लाख में ले ली कोई की 5 लाख में लेगी आज जिये के तरीके अन्याय करी है कि हदसू ज्यादा कर दी अट्ठाका सुनो साहब अट्ठाका विधायक है बिने ओ बेरो को नहीं की आ रेल लाइन की का राज मजारी है आ बीजेपी का राज मजारी है जो विधायक जी तो आ कह रहे हैं कि ओ और नोटिस कांग्रेस ने दिलवाए हैं देखो राजनीति से ऊपर उठ रहा मैं सगड़ा किसान मान कोई मतलब कोई राजनीति आज के ज्ञापन हमने सीएम को दे दिया रेल मंत्री को दोपहर दे दिया शिखर सांसद को दे दिया रेल के बड़े अधिकारी को दे दिया मारी को सुनो कौन चाह रहा है ए नोटिस कार्ड बाकी और जबरन कार्रवाई कर रहे हैं आचार संहिता बाद में कद भी कर सके तो इसलिए ज्ञापन दे पाया रेल मंत्री के भी जावांगा फिर भी नहीं मानागा तो दूसरे तरीके से सोचांगा किसान है आगे की रणनीति ये रहेगी भाई हम जमीन को इस रेल को जाने नहीं देंगे बस स्थिति है हम वो जहाँ जहाँ रेल जा रही है वहाँ हमारे टेंट लगा देंगे इन किसानों के बैठ जाएगा निगरानी करके निकलने गोली चाले कोई नहीं 16.5 किलोमीटर की है 1000 किसान प्रभावित हो रहे हैं 150 कसराई 50 किसानों का मकान तोड़ा जा रहा है 17 अंडर पार है 2 ओवर ब्रिज है और 12 जगह फाटक है स्थिति बहुत खराब पूरी जमीन जाएगी किसान बच्चे को नहीं मुआवजा मांग ही नहीं रहे ना तो सरकारी रेट तो 1,80,000 रुपए है उसमें कैसे दे किसान बिल्कुल हाँ पर बीघे के कच्ची बीघे के 1,80,000 रुपए 1 करोड़ में भी नहीं जमीन दे ही नहीं रहे ना मुआवजा किस बात का इसमें 7 गाँव आ रहे हैं यहाँ जोड़ की ढाणी से दुर्जनपुरा से बेरी भजनगढ़ तुरकानी जोड़ी बशावा झाझड़ और गोठड़ा तक जाएगी अरे ओ बाड़ियों है जिसको मेरी बात सुनो अट्ठाऊ धन कमा दूसरी जगह ले जा रहे हैं इन्हें शर्म क्यों को नहीं आ भाई किसान मार पा के ले खड़े हो रहे वो तो हाई प्लेन भी ले जा सके कटा क्यों इस तरीके वो किसाना की जमीन थे सोच भाई की बात है कतर नहीं किसी काट देनी मतलब तिरकोनी तिरकोनी हो रही है और उसमें भी अंडर पार है 2 बीघा 5 बीघा किसान की जमीन है उसमें 1
आधी भी को जमीन बच रही है, बताओ किसान की क्या दशा को। और पूरा अगर आप पूरा मुआवजो भी को माना सरकारी रेट में तो 9.5 लाख रुपए में 4.5 बीघा जमीन, बताओ किसान जाएगा कहाँ जाएगा बताओ। और कम बड़ी स्थिति जमीन तो ले रही है कंपनी अभी तक ना? न तो सांसद ने हमारी सुनी है, न विधायक ने सुनी है। विधायक जी तो मीडिया में बैठ दे रहे हैं, बाकी किसानों से कौन मिले हैं? डेढ़ मनो दो मना होगा, किसान सो नहीं पा रहे हैं। क्यों जगह किसान का मतलब घर का कनों का रेल जा रही है, 32 जमीन है बिकी स्थिति पर। और घर भी जानो शेखावट के हिसाब का बनाया, कोई मजबूत को नहीं, जी रेल जाएगा तो सब फूट जाएगा भाई। सीकर SDM, सीकर सांसद, सभी जगह कलेक्टर, कलेक्टर से जो नीचे अधिकारी होते हैं उनको सभी को ज्ञापन दे चुका है। आज तक किसी भी ज्ञापन का हमें कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए आज हमने ये फैसला किया है कि नवलगढ़ SDM को फिर हमसे ये पूछना चाहते हैं कि हमने जो ज्ञापन आपको सौंपा था रेलवे लाइन को निरस्तीकरण करने के लिए, तो उस ज्ञापन का क्या हुआ? हमें उसका कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। तो हम ये आज 500 लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं, हम ज़्यादा बड़ा कोई इशू नहीं करना चाहते इसके लिए, तो समझाना चाह रहे हैं इस प्रशासन को और इस सरकार को कि हम ये रेलवे लाइन बिल्कुल नहीं जाने देंगे। और SDM साहब को यही पूछना चाह रहे हैं कि जो ज्ञापन दिया था उस ज्ञापन का क्या हुआ? हमें अभी किसी भी ज्ञापन का कोई जवाब नहीं मिला है। हम CM को ज्ञापन देते हैं, 5 दिन के भीतर उसका रिजल्ट आता है, वो हमें आश्वासन देता है कि लाइन जाएगी नहीं जाएगी, आपको क्या मुआवजा मिलेगा, उसके बारे में सब कुछ बताता है। लेकिन CM को भी जो ज्ञापन दिया था, क्या पता वो सरकार की मिली भगत से या फिर विधायक की मिली भगत से वो ज्ञापन हमारा लुप्त हो गया, नहीं हुआ। उसका 5 दिन का टारगेट होता है, 5 दिन को आज जब 2 तारीख को CM साहब यहाँ आए थे, उस टाइम पे हम पुलिस प्रशासन का साथ लेके और CM को ज्ञापन दिया था, ना कि नवलगढ़ विधायक ने हमारा ज्ञापन नहीं दिवाया था। हमारी किसान बहन बेटियों और हमारे युवा साथियों की आवाज़ उठाने के लिए आप यहाँ पहुँचे। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ यहाँ लोग यहाँ के विधायक को कि आज किसान 2 घंटे से चक्कर मार के हम थक रहे हैं, घूम रहे हैं और अपनी मांग रहे हैं कि क्या जमीन हमारा हक है और वो भी हमारे से छीन लिया जाए, हमारे पास बचेगा क्या? हमको कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे? 2-2 बीघा जमीन है, उससे रेल लाइन निकल जाए तो हमारे पास तो बचेगा क्या? ये किसान बेचारे सब मर जाएंगे, हम किसान के बेटे हैं, हम जाएं तो कहाँ जाएं, किसके पास रोएं? हमने CM साहब हमारे यहाँ आए थे तब भी हमने पुलिस प्रशासन ने हमारे को कस्टडी में लेके ज्ञापन दिलाया था, हम किसान दीप ज्ञापन भी दिया, सो कोई जवाब नहीं आया। विधायक को ये सोचना चाहिए कि हमारे को किसान के बेटे यार, इससे अपने वोट लिए हैं, इनकी मान सम्मान तो रखे कम से कम। अरे इनकी सोने तो सुने कम से कम, आज यहाँ आना चाहिए, 2 दिन पहले अखबार में दिलाया, कैसे भी काम हो, कहीं भी कोई ऐसी में बैठा हो, कहीं बैठो, इसको यहाँ पे आना चाहिए किसानों के बीच में और किसान की बात सुननी चाहिए। लेकिन भाई कोई नहीं सुनता, जैसे चुनाव जीत गए वैसे ही मौन, यहाँ से फुर हो जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हम किसान परेशान हो रहे, हमारी सुनो, आपको भगवान सुनेगा। आज किसान यहाँ SDM कार्यालय नवलगढ़ आए हैं और वो अभी थोड़ी देर बाद में रेल मंत्री जी के नाम जो अपनी प्रस्तावित रेल लाइन है उसके निरस्तीकरण के लिए ज्ञापन देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि किसानों की जो सिंचित ज़मीन थी उसको बारानी दिखाया गया है, ये सरकार की और कंपनी की दोनों की मिली भगत से हुआ है। तो SDM साहब से हम निवेदन करते हैं कि जो सिंचित ज़मीन है उनको सिंचित किया जाए। तीसरी बात यह है कि अगर सरकार ये सोच रही है कि हम रेल लाइन निकालेंगे तो वो हमारी छाती और सिर के ऊपर से निकलेगी रेल लाइन, इसके अलावा रेल लाइन किसी भी कीमत पर जाने नहीं जानी। हमारी एकमात्र मांग जो है ये है कि रेल लाइन नहीं जाएगी, हमारे जीते जी तो नहीं जाएगी, मरने के बाद में जाए या नहीं जाए। भाई आज जान जान काल जान जान मानो मार की नहीं जाओ चले जाने दो, रेल कौन सा बात है? हां एक तो कहां कनारपुर की बात, दूसरी तो मातो पेटपुर की दशा बता। अच्छा टाबरा ने क्यों पाड़ा मानी है? टाबरा ने क्यों पाड़ो? आठ आठ टाबर ही मैं धंधो मारता भी मैं ऊंट सारे सिर ध्यान आठ आठ टाबर क्या नखे है दुकान पाड़ा ही आज भाली जमीन ले बंदा रो रही बाप कहता कि जमीन है एक बार सोचो कौन जो आज तो निकाल दो अलो बात गरी कौन जो पानी लोग मार तो कोई धंधा सा करी बात नहीं है मेरी रेल भाई 100 लाख कौन जानदा अलो धंधा धंधा अजय को सरकार को सो अभी का धंधा ही बिका पढ़ी पढ़ूंगी बिका पक्का तू क्या पड़ा माने ये बता दो। हां बिका पक्का तू ही हां गरी कौन जानदू रेल भाई तो डर कौन जानदू एक तो मारे कनार ऊपर की जाई है और दूसरी और मार पेट पर की काटे बताओ नहीं टाबरा गन्ने भी पाड़वा को धंधो तो बताओ हाँ, ना और बता दो आज भी असर बन का मारना नहीं मन क्या करना मन ना चालू करो धंधो हाँ, तो बताओ बोल को मन ना चालू कर जा कोई भी तो सोचो पेन से लिख पिया का काम करता है रेलवे काट रहे